अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त, आसान, नायाब और कामयाब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके इस्तेमाल से ना मर्द भी मर्द बन जाएगा, बूढ़े जवान हो जाएंगे, जवान पहलवान हो जाएंगे। एक ऐसा नुस्खा जो आपको ताकत के साथ साथ टाइमिंग, स्टेमिना, इच्छा शक्ति, पावर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा। सिर्फ आपने 30 से 40 दिन इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपकी जिस्मानी कमज़ोरियों को भी दूर करेगा, साथ ही आपके अंदर मर्दानगी का संचार करेगा। करना क्या है आपने इसके अंदर, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन बावक्त मिलते रहेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, किसी मुस्तनद हकीम से अपने मिजाज का चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि हर किसी का मिजाज अलग होता है और हर नुस्खे का मिजाज अलग होता है। ये नॉर्मल सी बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो मिजाज का ज़रूर चेकअप कराएँ। लेकिन ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों मिजाजों वालों के लिए बेहतर है, चाहे आपका मिजाज गर्म है या ठंडा, आप दोनों इसको ले सकते हैं। थोड़ा सा परहेज़ है, ज़्यादा नहीं, उसका ध्यान रखें, गलत कार्यों से दूर रहें, मन को बिल्कुल पाक साफ रखें गलत सोच से, गलत वीडियो से, गलत चीज़ों से। हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खाने में आपने खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, गर्म मसालेदार चीज़ें और तली भुनी चीज़ों से दूरियां बना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारे निज़ाम हज़म को ख़राब करती है। और जिन लोगों का निज़ाम हज़म ख़राब रहता है, फिर कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, जिम जाएं या जॉगिंग करें, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और खून जिस्म के सभी हिस्सों तक पहुँचता है, वहाँ भी पहुँचता है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए, जिससे मादा मनी बनती है और साथ ही साथ गाढ़ी भी होती है, जिसके कारण रुकावट पैदा होती है और टाइमिंग में बढ़ोतरी होती है। आइए चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपने लेना है एलोवेरा का जूस एक गिलास। एक गिलास एलोवेरा का जूस ले लें और उसके बाद आपने इसमें आधे चम्मच दालचीनी का पाउडर और 5 लौंग का पाउडर मिला लेना है। सुबह खाली पेट आपने इसे नौश कर लेना है। 30 से 40 दिन तक अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग मजबूत हो जाएगी, आपका लठ मजबूत हो जाएगा, साथ ही साथ स्टेमिना बढ़ेगा, इरेक्शन में बढ़ोतरी होगी। इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही शानदार चीज़ है। दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। अल्लाह हाफिज़।